आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शमशाबाद के महेंद्र वाटिका में आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन द्वारा एक बैठक व पंचायत का आयोजन किया गया। अवनीश कांत गुप्ता बल्लू के समर्थन में आयोजित की गई इस बैठक में उनके ऊपर किए जा रहे धोखाधड़ी और साजिशकर्ताओं के खिलाफ पुरजोर तरीके से ग्रामीण कोल्ड स्टोर ओनर्स एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद करने के साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी उठाई। आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन की बैठक अवनीश कांत गुप्ता बल्लू के समर्थन में हुई बैठक, पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की उठाई मांग। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। जब किसान पुलिसों से आलू निकालने आता है तो सामान्य तौर पर वो जो हम लोग पर्चियाँ देते हैं आलू के समय कौन पेपर के कहते हैं साथ में जाता है, उसके अगेंस्ट में जब वो आलू निकालता है तो गेट पास कर अपने साइन कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये स्वीकार हो जाती है कि मैं आलू स्वयं ले जा रहा हूँ, मैं भैया पर लिख देगा जो कि हमारे संगठन के अध्यक्ष भी हैं। और हमने खुद कई कोर्ट स्वामियों ने जाकर के उनके कोर्ट में सब चेक किया, देखा, और देखने के बाद में निष्कर्ष हुआ कि इनके साथ में फ्रॉड हो रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है और उसी के लिए इन पर फर्जी फाइल की गई। उसके बाद में लगातार ब्लैकमेलिंग के लिए, अनुचित पैसे की मांग के लिए, राजनीतिक क्षेत्र को परेशान करने के लिए लगातार कभी चोर कभी डकैत को कुचका जा रहा है, जबकि सत्यता ये है कि वो अपने सारे आलू को अपने खुद की हिसाब से उसे निकाला। आज से 4 महीने पहले एक राजू आलू भंडारक है, उनको फ्रॉड है, यहाँ पर कई लोगों का उसका पैसा भी बकाया है, ऐसे तमाम किसान हैं जिस पर आलू का पैसा उसका बकाया है, उसका हमारे सीतगर में आलू रखा था और उसने सब कुछ हिसाब बनवा के ले गया, आलू भी निकाल के ले गया और हमारे 3.5 लाख रुपये रह गए। किसी कारणवश क्योंकि उसने आलू जनवरी में निकाला था तो वो हमें आमद रसीद वापस नहीं देगी, आमद रसीद उसी के पास रहेगी, आमद रसीद को लेकर के उसने हमारे खिलाफ़ मुकदमा लिखवा दिया है। तो हम तो पुलिस से यही कहना चाहते हैं कि आपको आमद रसीद की बेस पर केवल मुकदमा नहीं लिखना चाहिए भाई, पहले आप पूरी तरह से जांच करो। भाई मेरे पास कोई भी शिकायत लेकर आया है ये ठीक है, पीड़ित को थाने में जाना चाहिए और थानेदार को उसकी एप्लीकेशन लेनी चाहिए। कौन लोग हैं? एक तो वो आशीष आर्य है जो विश्व हिंदू परिषद का नेता बनता है, लेकिन वो जो कुछ भी याद करता है मुझे ज़्यादा कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। और ये किसान यूनियन का नरेंद्र जसावत है, वो भी पैसों की डिमांड करता है, वो जो क्या किसान यूनियन के 2-4 लोगों को ले आया भ्रामक स्थिति पैदा करके और किसानों के उस किसान के जो है उसके परिवारजनों को 10-20 और लोग समेट लाया, क्या बताना प्रशासन से आपकी अपील करेंगे? प्रशासन से हमारी तो एक ही अपील है, देखो मुकदमा लिख गया है, हम भी आपको सारे साक्ष्य दे दिए हैं, आप साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कीजिए, हम अगर दोषी है तो दंडित होंगे, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम निर्दोष हैं तो उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा करके मुकदमा। वो तो ज्ञानी है उन्हें सिर्फ बात काटनी है, लेकिन मैं तो जुगनू हूं, मुझे स्याह रात काटनी है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, चाहे वो राजी हो, चाहे वो किन्नर हो और चाहे उसके पीछे चाहे कितने भी बड़े साजिश करता हूं, हर समय पर उनको जवाब देने के लिए तैयार हूं, चाहे राजनीति में हो चाहे व्यापार में। मैं आप सभी के सामने लाने से कहना चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर भली भांति मुझे सभी लोग जानते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।